हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारी 8वीं वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके द्वारा हमारी वीडियो को किया गया लाइक, कमेंट और शेयर मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को डैश व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सके। पहला ऑप्शन है आपका समायोजित, दूसरा है लिंग, तीसरा है मनोवैज्ञानिक और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने तुलनात्मक। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझाया जा सके। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर टू इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। पहला है कथन तकनीक, दूसरा है शिक्षार्थियों के साथ अन्योन क्रिया, तीसरा है खेल पद्धति, फोर्थ है आपका व्याख्यान तकनीक। तो इसमें भी आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन क्रिया, क्योंकि जिन बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन करके यानी उनके द्वारा उनके बीच में रहकर ज़्यादा उनसे वार्तालाप करके पढ़ाएंगे तो वे प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन है, यानी आकलन का मूल या मुख्य प्रयोजन क्या होता है शिक्षार्थियों में। ऑप्शन है आपके सामने, कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक, प्रतिभावान, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि का नाम देना। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ऐसा कोई मूल प्रयोजन नहीं होता। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना, यह भी कथन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन थर्ड पर, शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों के विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। एक ऑप्शन और बचता है, तीसरा पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है, परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। फोर्थ पॉइंट भी आपका गलत है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन थ्री इसका सही उत्तर होगा, जो आपका आकलन का जो मूल प्रयोजन होता है वो शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों के बीच में आपकी जो उनकी आलोचनात्मक पुष्टि से लाभ पहुंचाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन है आपके सामने, अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, दूसरा है मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा बनाना या जोड़ना, तीसरा है दस्तक पहाड़ों को मुंह जुबानी याद कर लेना, फोर्थ है आपका माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो जो कार्यात्मक क्रिया का जो स्वरूप है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। या तो कोई बच्चा खिलौने को दो भागों में तोड़ देता है और उसको दोबारा बना लेता है तो वह आपका कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। पहला है छात्रों की बुद्धि में अंतर, दूसरा है छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, तीसरा है छात्रों की रुचि में अंतर, फोर्थ है छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक कक्षा में जब जो शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है तो ऐसे कौन से कारक जो होते हैं वो सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि छात्रों की बुद्धि में अंतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? यानी आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना है किस ऑप्शन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा है आपका अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। फोर्थ है उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा कि इसमें जो तीनों पॉइंट्स जो दिए गए हैं वह आपके बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। दूसरा है सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। तीसरा है सभी शिक्षार्थियों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। और फोर्थ है आपके सामने शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा कि सबसे पहले आप शिक्षार्थियों की जो पूर्व शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपके सामने शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने, या आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, यह भी केवल रुचियों के जानने से कुछ नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए, यह भी कथन आपका गलत है। बचता है ऑप्शन फोर्थ, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि आपके एक शिक्षक के लिए जो बच्चे के बारे में या बच्चे से संबंधित उसके मूल आधार, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? यानी आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपकी अवस्थाएं दे रखी हैं, यानी वह कौन सा अवस्था या साथी समूह होता है जिस समय बच्चा सक्रिय सदस्य बन जाता है साथी समूह का। तो ऑप्शन है आपके सामने तीसरा अवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 10 है, प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? यानी आपके पुराने विचारों में ही नए विचारों का समावेश हो जाने को उनके द्वारा क्या क्या कहा गया है? पहला है आपका व्यवस्थापन, दूसरा है खोज या सात्मीकरण या निर्माण। तो आपके प्याजे द्वारा सात्मीकरण कहा गया है, यानी जब कोई पुराने विचार आपके नए विचारों से मिल जाते हैं तो वह आपका सात्मीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यानी सबसे पहले जो बालक है वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों एक साथ चलाना सीखता है, यह विकास का सिद्धांत यह कौन सा सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है आपके सामने परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जब बच्चा पहले अलग अलग सीखता है और उसके बाद दोनों चीजों को या तीनों चीजों को एक साथ करने लग जाता है तो आपका यह एकीकरण का सिद्धांत होगा, बाल विकास का एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। दूसरा है रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। तीसरा है शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। फोर्थ है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो आपका
जो शिक्षा का रुचि सिद्धांत है वो बताता है कि शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती वे उस कार्य को मन लगाकर नहीं करते। ऑप्शन पहला इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पहला ऑप्शन है पाठ्य योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो जो पाठ्यक्रम आपका जो पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें समाहित की जाती हैं वह विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा जो भी विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले अनुभव होते हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आपका, शिक्षा माध्यम का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। दूसरा ऑप्शन है जो संबंध समृद्ध हो। तीसरा है जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। फोर्थ है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा कि जिस भाषा पर जनसाधारण यानी आम लोगों को जो भाषा आम लोगों को आती है वह भाषा उनकी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है आपका, आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जिससे कि वे आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों की अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे। तो आपका इसमें पूछा गया है कि जब विद्या आपको शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक यानी पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 16 है आपका, जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन है तार्किक प्रत्यात्मक प्रत्यक्षात्मक या कल्पनात्मक। जब बच्चा आपके भौतिक या मनोवैज्ञानिक आपके जो वातावरण में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं अगर उनको देखकर वह चिंतन करता है तो वह चिंतन आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसमें पूछा है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को निकालेंगे जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने शिक्षक व्यवहार के द्वारा आत्मीयता से परिपूर्ण होना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, बिल्कुल प्रगतिशील शिक्षा या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस बात भावना का विकास करना आपकी एक विशेषता होती है। दूसरा है शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, यह आपका गलत बिंदु है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार बनाना, यह भी आपका सही उत्तर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है वह है आपका शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो, जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। थर्ड है आपके सामने जो वार्तालाप करने में अच्छा हो। फोर्थ है आपका जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षार्थी द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जिसका व्यवहार आपका प्रभावी होता है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, जो व्यवहार में प्रभावी हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है ठीक से नहीं लिख पाता, यानी एक विद्यार्थी है वह ठीक से लिख नहीं पाता है तो वह किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने डिसग्राफिया, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने डिसलेक्सिया, तीसरा है आपके सामने अफेजिया और फोर्थ है आपका डिसकैल्कुलिया। तो अगर कोई विद्यार्थी लिखने में ठीक से लिख नहीं पा रहा है तो उस विद्यार्थी को वह विद्यार्थी आपका
डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। आप ध्यान रखना है कि जब पाठक कक्षा कक्ष में पठन कार्य शुरू करते हैं तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारगर उपागम नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षार्थियों को यह अवसर उपलब्ध कराना कि वे अपना पाठ स्वयं तैयार करें। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन। थर्ड है आपका, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। फोर्थ है आपका, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील विचारों को पैदा करना। तो ऑप्शन तीसरा इसका, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग, यह एक कक्षा कथन पठन शुरू करने का एक आपका कारगर उपागम नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक को जितनी अधिक जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें उन सभी पाठ्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, बुद्धि पिछले अनुभवों की उपयोग की योग्यता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है कि बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है, तो इसमें ये पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आपका यह भी पॉइंट सही है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है इसमें पूछा गया विषय सत्य नहीं है। तीसरा है, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। यह पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि जो बुद्धि होती है वह बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। फोर्थ है आपके सामने, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह भी बात सही है कि जो बुद्धि होती है वह एक सीखने की योग्यता होती है। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का, वह ऑप्शन बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनैतिक सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, यह शिक्षार्थी को योग्य बनाने के लिए द्वंद को शिक्षा शास्त्रीय कार्यनीति बनाकर प्रयोग नहीं करता। यह ऑप्शन आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। तीसरा है, यह खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान नहीं करता। यह भी आपका कथन गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो संबंध में सत्य है, यह विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, देश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी वह कौन सी शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत जो अधिगम करने में असमर्थ है या जिसको बाधा हो रही है या फिर सभी प्रकार के सामान्य विद्यार्थी होते हैं उनको शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। यानी पहला ऑप्शन है आपका वह सामान्य शिक्षा होती है, दूसरी है विशेष शिक्षा होती है, तीसरी आपकी अनुकूल शिक्षा होती है और नेक्स्ट आपकी समावेशी शिक्षा। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जिस विद्यालय में आपके सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है वह आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। नेक्स्ट है, छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा। थर्ड है, लिखित परीक्षा द्वारा। फोर्थ है आपका, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का पहला उत्तर सही होगा, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा जो आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भाषा शिक्षा में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। पहला है आपके सामने गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, दूसरा है आपका हल्के प्रयोगों पर, तीसरा है आपका आसान से कठिन की ओर, फोर्थ है आपका शिक्षण प्रौद्योगिकी मान्यताओं पर। तो जो आपके भाषा शिक्षण में वाक्यों के शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, यह जो शिक्षण है आपका गेस्टाल्ट के प्रयोगों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सामान्यीकरण, दूसरा है एकीकरण, तीसरा है आपका अनुप्रयोग, फोर्थ है आपके सामने संबंध जोड़ना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका उत्तर होगा आपका सामान्यीकरण। दिए गए सूचनाओं के आधार पर नए नियम एवं सिद्धांत को विकसित करना यह आपका सामान्यीकरण शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 27। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है आपके सामने विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, विकास प्रक्रिया का प्रमाण संबंधी है, तीसरा है विकास क्रमिक है, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने अलग अलग लोगों के लिए विकास भी अलग अलग होता है। तो आपका जब एक अध्यापक देखता है कि किसी बच्चे को वर्ग बनाने में समस्या हो रही है तो यह उसकी संभावना बढ़ जाती है कि उसको हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई होगी। तो यह विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपत विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है आपका कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, दूसरा है अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, तीसरा है वृद्धि एक समीपस्थ क्षेत्र है, फोर्थ है अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो वाइगोत्स्की में जो आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें आपके जो वाइगोत्स्की है वह कहते हैं कि जिस कार्य को बच्चा बड़ों की सहायता से कर सके वह आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने शिक्षार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, यह आपका गलत पॉइंट है, लिखने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, यह आपका पॉइंट सही है। तीसरा है सैंपल का अधिकाधिक उपयोग करना और फोर्थ है साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यह वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। यह वीडियोस आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने रटकर सीखना, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने अन्वेषण सीखना, तीसरा है अभिग्रहण सीखना और फोर्थ ऑप्शन है आपका अर्थपूर्ण सीखना। जब कोई बालक जो सभी चीज जो आपको उसको सामग्री दी गई है उसके सार तत्व को समझ जाता है और उसका समझकर वह पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है तो यह आपका अर्थपूर्ण सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का 30वें का आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स यह था सिर्फ आज के लिए, कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। यह वीडियोस हमारी 500 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत चल रही हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें एवं अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।